गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिगुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, आप प्रमोट होकर आप आ गए हैं क्लास सेवेंथ में और मैं हूं आपकी गीता मैम और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। तो पढ़ते हैं पौधों के पोषण्स के बारे में। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है पोषण कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम पोषण कहते हैं। अतः पोषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई जीव या जंतु भोजन का उपयोग कर अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण की विधियाँ, जीवों में उनके पोषण की विधियों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। ऐसी कई विधियां हैं जिनके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रायः दो भागों में बांटी गई हैं। एक तो होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है जो अपने आप से ही अपना भोजन बना ले वो स्वपोषण हो जाएगा, और जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे हम परपोषण कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक रोचक तत्व। पोषण शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द जिसे न्यूट्रियो नेम से हुई है, जिसका मतलब होता है पुष्टिकरण यानी नरिशिंग। तो पढ़ते हैं स्वपोषण के बारे में। स्वपोषण पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव द्रव्य के बाह्य स्रोतों से यानी बाहर के स्रोतों से अपना भोजन बनाने में समर्थ होता है। उदाहरण के लिए, हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं क्योंकि उनमें हरे वर्णक जिन्हें हम हरित लवक यानी क्लोरोफिल कहते हैं उपस्थित होते हैं। हरे पौधों द्वारा हरित लवक के प्रयोग से भोजन बनाने की ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद में ये तैयार भोजन तने द्वारा पौधों के विभिन्न भागों पर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हरे पौधे स्वपोषी जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी स्वपोषी क्यों कहते हैं हरे पौधों को, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पर वो किस पर निर्भर करते हैं, एक तो हरित लवक पे और दूसरा प्रकाश पर। हमारे पास एक टेबल दी हुई है, इसके थ्रू हम समझते हैं पोषण और उसके भाग। तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो जो परपोषण होता है उसमें होते हैं जैवीय पोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। जो जैवीय पोषण होता है उसमें होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की भी शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं आइए जानते हैं। एक तो है कि हरित लवक की उपस्थिति, यानी पौधों को अगर ग्रोथ करनी है, बड़ा होना है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरित लवक की उपस्थिति होना यानी क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यानी अगर सूर्य का प्रकाश उन्हें नहीं मिलेगा तो भी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, यानी पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए जो कि हम सांस लेने के बाद में छोड़ते हैं। वो हवा कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधों के लिए चाहिए। और फोर्थ है जल, यानी पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हरित लवक चाहिए यानी क्लोरोफिल, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये चार पॉइंट्स होने बहुत जरूरी हैं, यही इसकी आवश्यक शर्तें होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय जो अभिक्रिया होती है उसकी प्रकृति रासायनिक होती है तथा उसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी एक केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको क्या क्या चाहिए और उसके बाद में पौधों को क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति, उससे बनती है शर्करा यानी स्टार्च और साथ में मिलती है ऑक्सीजन। तो जो शर्करा होती है, स्टार्च होती है, ये तो पौधों में रह जाती है और ऑक्सीजन को पौधे क्या करते हैं, निकाल देते हैं और जिसे हम सांस के थ्रू अपने अंदर लेते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को आप देख सकते हैं और इसे यही आपका होमवर्क है, आपको इसे खुद से स्टडी करना है। अगला है परपोषण। तो
परपोषण क्या होता है? मनुष्य एवं अधिकांश जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है, यानी जो दूसरों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जंतु एवं हरित विहीन यानी जो पौधे जिनमें हरित लवक नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें हम हरित विहीन बोलते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम परपोषी कहलाते हैं, यानी जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। इस प्रकार परपोषी वे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा ऊर्जा प्राप्त हेतु दूसरे पौधे या जंतुओं पर निर्भर करते हैं। परपोषण को चार समूह में बांटा गया है। एक तो होता है परजीवी पोषण, एक होता है जैवीय पोषण, तीसरा है मृतजीवी पोषण, चौथा है सहजीवी पोषण। तो इनके थ्रू आप समझ पाएंगे कि परपोषण कितने क्या क्या होता है। अब बच्चों आपका होमवर्क है, आपको अपनी एक्सरसाइज के रिक्त स्थानों की पूर्ति होमवर्क में करनी है। दो तीन तो मैंने कर दिए हैं, बाकी के आपको खुद ही इनको सर्च करना है और अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।